तुम में से काफी लोगों की फ्री फायर की की मैपिंग गेम लूप के अंदर नहीं सही हुई और अभी तक तुम लोग में से पूछो कि की मैपिंग का क्या बना। तो मैं जो कल रात सारी रात जो गेम लूप वालों से बात करता रहा, उनसे ये कहता रहा कि यार आपकी की मैपिंग नहीं वर्क कर रही, इसी वजह से मुझे बुखार भी चढ़ गया थोड़ा सा, मेरे तबीयत थोड़ी सी अपसेट हो गई, तो बर्दाश्त कर लेना अगर वॉइस सही ना लग रही हो। तो सीन ये था कि मैंने उनसे सारी रात बात की, इनके डिस्कॉर्ड पर बात की, इनके एफ पी पे बात की, पेज पर और इनके इंस्टा पर बात की, तो ये अपनी बात पर कायम थे। इन्होंने यही कहा कि हमने की मैपिंग सॉल्व कर दी, हमने की मैपिंग सॉल्व कर दी है। तो मुझे फिर आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं वापस आया। इन्होंने मुझे एक चीज़ कही थी जो कि मैंने की और जिससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इन्होंने कहा कि तुम फ्री फायर को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करके देखो। अभी जो इन्होंने मुझे सजेशन दिया था, मैंने ये ट्राई किया और मैंने जो है इसमें एक चीज़ मुझे प्रॉब्लम जो नज़र आ रही थी कि यार मैं अगर फ्री फायर को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करता हूँ तो क्या पता ना प्रॉब्लम सॉल्व हो, बिकॉज मेरे पास इंटरनेट भी स्लो है तो काफ़ी देर लगती है फ्री फायर को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल होने में। तो मैंने सोचा मैं गेम लूप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेता हूँ, बट गेम लूप के अंदर मेरी काफ़ी ज़्यादा जो ऑप्टिमाइजेशन हुई हुई थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होना था, इसलिए मैंने जो एक बैकअप बनाया और मैंने जो है गेम लूप को फिर से इंस्टॉल किया अनइंस्टॉल करने के बाद। जब मैंने गेम लूप को इंस्टॉल किया तो सारा कुछ सही से परफेक्टली वर्क कर रहा था। अभी वीडियो को ध्यान से देखना, अभी ना चले जाना क्योंकि आगे बहुत ज़रूरी बात है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जो सारा काम कर लिया इंस्टॉल करने के बाद, फ्री फायर को इंस्टॉल किया, काफ़ी ज़्यादा थक हार के मैंने फ्री फायर को ऑन किया। फ्री फायर में जो स्मार्ट की मैपिंग वर्क कर रही थी और 64 बिट में सब कुछ सही चल रहा था, मैं सोच रहा था बहुत प्यारे चल रहे। इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी, कल आ जाए कल में, तो उस वीडियो को देखना तुम लोग लाजमी। तो उसमें जो मुझे 90 FPS देखने को मिलते थे बहुत अच्छा चल रहा था, मैंने इस पर वीडियो बनाई है, और उसमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलती जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा मैं तंग हुआ। तो इस वजह से फिर मुझे वो वापस अनइंस्टॉल करना पड़ा और फिर मैंने जो दोबारा से जो है इंस्टॉल किया। हाँ एक चीज़ है कि अगर तुम्हारे पास जो है एक अच्छा मॉनिटर है तो तुम जो है वो इस वर्जन को ट्राई कर सकते हो। ये मैं सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर करूँगा, इसमें मैं तुम्हें को बता दूँ कि यार मैंने वापस से फिर वही इंस्टॉल किया वर्जन और वापस से उसी वर्जन को इंस्टॉल किया, तो ये है कि उस वर्जन के अंदर भी जो फ्री फायर सही से वर्क कर रही थी। बेसिकली वो 32 बिट वर्जन था और उसके अंदर में फ्री फायर की मैपिंग वर्क कर रही थी, FPS जो 60 आ रहे थे बट की मैपिंग सही से वर्क कर रही थी। तो तुम लोग भी जाओ गेम लूप या फ्री फायर दोनों में से कोई भी चीज़ अपनी मर्जी से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करके देख लो, तुम्हारी भी की मैपिंग वर्क कर जाएगी। सो ये वीडियो थी मैं तुम लोग के लिए लेकर आऊँ, अभी इस टाइम जो 2 बज रहे हैं और मैं तुम लोग के लिए वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना ताकि मैं जल्दी से सही और जल्दी से और वीडियोज़ लेकर आऊँ। सो बाय।